ये तीन बच्चे हैं माशाल्लाह, और तीनों इस रमजान में है ना ये कूड़ा बीन तो बेटा कूड़ा बीन के अपने गुजारा करते हैं अपनी फैमिली का। और तुम्हारा नाम क्या है? समीर। समीर, और तुम्हारा नाम क्या बच्चा? मेरा नाम फिरोज। फिरोज, तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं यार। तुम्हारा नाम क्या बेटा? मेरा मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, अच्छा तो तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते ये बताओ? देखो कितने लोग देख रहे हैं तुम्हें, सब पूछ रहे हैं कि पढ़ने क्यों नहीं जाते, पढ़ने क्यों नहीं जाते, तुम पढ़ने क्यों नहीं जाते? लॉकडाउन की वजह से छुट्टी पड़ी है। छुट्टी पड़ी हुई है? पहले तो हम पढ़ते थे एक मीनार मदरसे में। अच्छा, और समीर तुम? हम ठेकड़ा पढ़ते थे, तो अब क्यों नहीं जा रहे बेटा? अच्छा, वो छुट्टी की वजह से नहीं जा रहे, तो ये काम क्यों करते हो? अच्छा, तुम्हें ईद के कपड़े बन गए नहीं? मैंने तुम्हारे ईद के कपड़े बने नहीं तुम्हारे? इस बार ईद के कपड़े ना मेरी तरफ से मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? अरे पक्का, सच में तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? देखो ये जो बच्चे हैं ना ये सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस बार जो भी ईद के जो भी कपड़े होंगे ना, तो तीनों बच्चे के मेरी तरफ से होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फिरोज। फिरोज भाई, फिरोज भाई, हम तुम्हें कैश नहीं दे रहे, लेकिन इस बार जो ईद के कपड़े होंगे ना, अच्छे से अच्छे कपड़े मैं तुम्हें दिलाऊंगा, ठीक है? इससे तीन दिन चार दिन पहले आ जाना और कपड़े लेके जाना अपने, ठीक है भाई? खुश हो? हाँ भाई। अच्छा, तुम्हारा ये बताओ, ये तुम्हारा कान कैसे कटा? कान कैसे कटा तुम्हारा? ये देखो कितने लोग तुम्हें लाइव देख रहे हैं, इधर आओ ना एक बार। तुम स्टार बन गए यार, तुम स्टार बन गए, स्टार बहुत तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा, कैसे कपड़े पहनोगे ये बताओ ईद पे? कैसे कपड़े पहनोगे? यही तो ये उस्ताद है, ये उस्ताद है, ये तुम उस्ताद हो? वो उस्ताद है? उस्ताद कौन है तुम्हें? ये उस्ताद है? अच्छा, तुम इतने मुस्कुराते क्यों? अच्छा, तुम्हें पढ़ना पसंद है? पढ़ना पसंद है तुम्हें? स्कूल जाना पसंद है? तो ये कबाड़ा क्यों बीनते हो? घर पे बोलते नहीं तुम मम्मी से अब्बू से कि मुझे नहीं करना है, मुझे तो पढ़ना है, स्कूल जाना है? देखो अगर तुम्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत आती है ना, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा नहीं होती, तुम मुझसे आके बोल रहे, ठीक है बेटा? समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको स्कूल की फीस जमा करने में आपको ये लगता है ना कि मुझे पढ़ना है, तो मैं आपकी फीस भरूंगा स्कूल की, प्रोमिस कर रहा हूँ, सच में। मेरा तुमने घर देख लिया ना, ये जो घर है ना, ये वाला घर, ये मेरा घर है, ठीक है? अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हारी पूरी फीस मैं दूंगा, पूरी फीस का मैं खर्चा मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें ये काम छोड़ना पड़ेगा, ये कबाड़े वाला। तुम भी पढ़ते हो हैं? आप दोनों भाई हो आपस में? तो मैं प्रोमिस करता हूँ तुमसे, ठीक है बेटा? तुम इधर आओ भाई, तुम क्यों हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? इधर आओ, जो हीरो है उनको दिखाना है ना, ये तीन हीरो है मेरे, इधर आओ तीनों हीरो। देखो ये तीन मेरे हीरो हैं, समझो। आप तीनों में से जो भी पढ़ना चाहता है, ठीक है बेटा, जो भी पढ़ना चाहता है उसकी पूरी फीस का खर्चा मैं उठाऊंगा। मैं वादा कर रहा हूँ तुमसे, अगर आप पढ़ोगे तो पापा से जाके बोलना कि पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ, और एक अंकल मुझे मिले थे वो मुझे पढ़ाना चाहते हैं, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? और इस बार सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद अरमान। मोहम्मद अरमान, अगर तुम इस बार ईद पे कैसे कपड़े पहनोगे, अच्छा ये बताओ। जूते आप दे सको? अच्छा ये बताओ, एक चप्पल तुम्हारी दिखाना, एक चप्पल से ऐसे तोड़ते ना मैं, एक चप्पल तुम्हारी अलग है, एक चप्पल तुम्हारी अलग है यार, सतू तोड़ रहे थे। अच्छा, और जो पैसे जो कमाते हो आप लोग, उस पैसे का क्या करते हो? घर पे दे देते हो जाके? ऐसा तो नहीं है कि वो घर पे आके आप मौज मस्ती करते हो जाके? चलो तो ठीक है, इस बार तुम्हारी ईद के कपड़े मेरी तरफ से, और ये 500 रुपये किस लिए हैं? तुम्हारे जूतों के लिए, ठीक है? यकीन नहीं हो रहा क्या? क्यों यकीन नहीं हो रहा? ऐसा कोई देता नहीं है? अच्छा, पहले क्यों डर रहे थे तुम मेरे पास आने से? पकड़ने वाले पहले बहुत घूमते थे इसलिए। अच्छा, देखो ये तुम्हारी मैं वीडियो लाइव कर रहा हूँ, अब इस पैसे को जाके तुम्हें क्या करना है, कहाँ देना है जाके? घर पे। समीर, 500 रुपये तुम्हारे लिए, 500 तुम्हारे हो गए ना, ठीक है? अब तुम रह गया, तुम्हारे लिए तो मेरे पास पैसे खत्म हो गया। तुम दोनों इसमें से ले लोगे हैं? अगली बार आओगे फिर तुम्हें दूंगा पैसे, या दूं अभी? जल्दी बताओ, क्या नाम है तुम्हारा?
मोहम्मद अरमान, अरमान भाई ये 500 रुपये तुम्हारे लिए, और 500 रुपये इसलिए कि तुम अपनी जाके चप्पल पहनोगे, ठीक है? ओके बेटा, चप्पल पहनोगे इसलिए तुम्हारे ये 500 रुपये हैं। और सुनो, ईद पे आपकी तीनों की ड्रेस मेरी तरफ से है ना, इससे 3-4 दिन पहले आना, बाजार में ले जाके मैं आपको ड्रेस दिलाऊंगा, ठीक है? खुश हो? अब तो नहीं लग रहा डर तुम्हें? देखो ये तीनों बच्चे हैं, और ये तीनों बच्चे माशाल्लाह, पहले मैंने जब इनको मैंने बुलाया तो ये भागने लगे, डरने लगे कि भाई पता नहीं कौन है, पकड़ने वाला है ना। और अब यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें मैंने पैसे दिए? अम्मी ने मना कर रखा है, दूसरों के हैं, भरोसा मत कर कर। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, करने नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें पैसे दे दिए? कोई गरीब को है ऐसे कोई पैसे नहीं देता है, कोई गरीब को पैसे नहीं देता ऐसे, और गरीब को पैसे देने से हमेशा बढ़ते हैं, तुम्हें पता है? गरीब को पैसे देने से हमेशा क्या होता है बेटा? बढ़ते हैं, घटते नहीं है पैसे। तो कभी भी जिंदगी में तरक्की चाहते हो ना, तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है? देखो ये पैसे जाके तुम्हें अपनी अम्मी को देने हैं, ध्यान है पक्का? और ईद पे इससे 4-5 दिन पहले आना है, इससे मैं इंशाल्लाह तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा। ओके बेटा, चलो अपना ख्याल रखो, और ठीक है भाई, सबको टाटा करो, सलाम करो सबको, बाय करो। ओके ओके, चलो भाई, ओके अल्लाह हाफिज़। ठीक है बच्चों, जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप तमाम लोगों का शुक्रिया, और इंशाल्लाह इन बच्चों का, फैमिली का हमने लिया है एड्रेस, तो उनके माँ बाप से भी बात करेंगे जाके कि अपने बच्चों को पढ़ाओ कम से कम, आपके बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ाइए उन्हें, उनको इस वक्त इस बीमारी के मौसम में घर से बाहर मत भेजिए, और इनको अभी हमें भेज रहे हैं, इनको मास्क दिला के भेजना भाई, मास्क भी दिलाया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह कबूल करे मेरे इस काम को। और आप भी अपने आसपास देखें, ऐसे ज़रूर लोग मिलेंगे कि जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू वेरी मच।